अपने YouTube चैनल मैथ्स विजन पर स्वागत करता हूं दोस्तों। दोस्तों इस समय हम लोग जीके जीएस ट्रिक के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार हम लोग ट्रिक के बारे में पढ़ रहे हैं, जिससे हम लोग 2 से 3 मिनट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को याद कर ले रहे हैं और बहुत मज़ेदार तरीके से याद कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, और हंसते खेलते हम लोग याद कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसी तरह आज भी एक क्वेश्चन हम लोग तैयार करते हैं, वो क्या है क्वेश्चन, बाबर द्वारा जीते गए 4 युद्ध, बाबर ने 4 युद्ध जीते थे और वो कौन कौन से युद्ध थे और किसके खिलाफ वो लड़े थे, उसके लिए ट्रिक क्या है, पान खाओ चांद के घर, मतलब कोई चांद एक आदमी है चाहे इंसान है उसके यहाँ हमको पान खाना है उसके घर पर, ठीक है, तो पान हमको खाना है चांद के घर पर। तो चलिए इसका हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि इस ट्रिक से क्या फायदा है। तो दोस्तों देखिए, पान मतलब होता है पानीपत, पान मतलब क्या होता है पानीपत, तो पानीपत का युद्ध दोस्तों 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था, किसके बीच में हुआ था, इब्राहिम लोदी प्लस बाबर के बीच में युद्ध हुआ था। और ये ट्रिक है हमारा कि बाबर ने इन युद्ध को जीता था, मतलब ये युद्ध बाबर ने जीत लिया था। तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था और ये 1526 ईस्वी में हुआ था। अब दूसरा है दोस्तों खाओ, खाओ से हमारा क्या होगा, खानवा का युद्ध, खाओ से क्या होगा, खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, 1527 ईस्वी में हुआ था। अब 1527 ईस्वी में किसके बीच में हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर को विजय मिला हुआ था, ठीक है दोस्तों। तीसरा क्या है दोस्तों, चांद, चांद मतलब हमारा चंदेरी का युद्ध, चांद मतलब क्या था हमारा चंदेरी का युद्ध। और चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, 1528 ईस्वी में, और ये किसके बीच में हुआ था, मेदनी राय और बाबर के बीच में हुआ था, इसमें भी बाबर जीत गया था, ठीक है। और हमारा लास्ट क्या है, घर से मतलब घाघरा का युद्ध, और ये कब हुआ था, 1529 ईस्वी में हुआ था, और ये किसके बीच में हुआ था, अफगानों और बाबर के बीच में हुआ था, ठीक है। और ये 4 युद्ध बाबर जीता हुआ था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, 2 से 3 मिनट में आपको इतना अच्छा क्वेश्चन तैयार हो गया। तो इसी तरह मज़ेदार ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और किस प्रकार की वीडियोज आपको चाहिए, ये सब आप कमेंट में लिख कर बता दीजिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।